मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोहिनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश के आधार से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। विगत स्वाध्याय तक हमारी जो बातें यहाँ हुई है, जो चर्चा हुई है, उसके बारे में यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी यहाँ चर्चा 24 नंबर के श्लोक तक हो चुकी थी, जिसमें मुख्यतः जो चर्चा अपनी यहाँ हुई है वो परिचय और उपसर्ग के संदर्भ में हुई है। आप लोगों को ध्यान होगा, सिद्ध योगी, साध्य योगी है, किस तरह से कर्मों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और किस तरह से पुराने कर्मों की निर्जरा और साथ में संवर भी, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए अपने आत्मस्वरूप में ही जब वे निमग्न रहते हैं वे योगी, निश्चित ही उनके कर्मों का आश्रव भी रुक जाता है। इस तरह की चर्चा मेरे पास जो पुस्तक यहाँ सामने है, इस पुस्तक के पेज नंबर 61 यहाँ तक चर्चा हुई है और 61 पेज पर अंतिम पंक्तियों से जो आत्मानुशासन का श्लोक दिया है, यहाँ से अपने को बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब आत्मानुशासन श्लोक 246 में कहा है, क्या कहा है कि यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलति स्वयं हे योगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनरास्रवः। क्या कह दिया गया, उस योगी को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उस योगी के फिर आश्रव नहीं होता। कौन से योगी के, जिसके पुण्य और पाप फल दिए बिना स्वयमेव गल जाते हैं, उस योगी के। योगी की चर्चा की है, साधक की चर्चा की है, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ दे दिया गया है, जिसके पुण्य और पाप दोनों गल गए हैं, जिसके जीवन में न पुण्य रहा है न पाप रहा है। अरे भले ही जगत में पाप और पुण्य दोनों की तुलना करते हुए पुण्य को श्रेष्ठ कहा जाता हो, तथापि यह बिल्कुल नियम समझ लेना चाहिए कि वह पुण्य किंचित भी भला नहीं हो सकता है। पाप की तुलना में भला कह दो आप उसको, भला नहीं है। लेकिन वो सारा जगत ऐसा मानता है, सारा जगत इस मिथ्या मान्यता में उलझा हुआ है, इस मिथ्या मान्यता में लगा हुआ है। इसकी अपेक्षा से तो जहां हम चर्चा करते हैं, हमारी चर्चा करते ही तुरंत सामने से एकाध दो व्यक्ति ऐसे उठ खड़े होते हैं जो ये कहते हैं, अरे साहब पुण्य को इतना हे मत कहो, आखिर पाप से तो भलाई है ना, क्या करें, बोलो कैसे समझाएं ऐसे व्यक्तियों को। बार बार कदम कदम पर ये चर्चा मिल रही है। आपको ध्यान होगा 61 पेज पर वो संस्कृत की पंक्ति भी पढ़ करके सुनाई थी, कर्मणाम सिद्ध योग्य पेक्षया अशुभानाम शुभानाम च अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों ही प्रकार के कर्म छोड़ देने योग्य है, दोनों ही प्रकार के कर्म छूट जाते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि हम यहां से यात्रा जा रहे हैं, ठीक है, और यात्रा जाते हुए रास्ते में, मार्ग में, सफर में हमारा सामान चोरी हो गया। वो चोरी हो जाना अच्छा है या खराब है,
ऐसी स्थिति में है अब हम कि जहां जा रहे थे न वहां से लौट सकते हैं और न वहां अपना काल बिता सकते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हम। चोरी होना अच्छा है कि खराब है? बदलने के लिए कपड़े नहीं है, चेंज खराब है करने नहीं है, खराबी है ना? खराबी कहेंगे आप लोग। अच्छा जी। चलो, कदाचित ऐसा हो कि वहां जाते समय चोरी नहीं हो और वापस लौटते समय चोरी हो, तो अच्छा है कि खराब है? कम खराब है, खराब तो है, खराब है? तो है पर कम खराब है। अच्छा, दोनों में से भी आपको ऑप्शन दिया जाए क्या, तो आप कौन सी चीज को अपनाना चाहेंगे? चोरी तो होना है ऐसा। कितनी सुंदर बात ख्याल में आ जाती है ना अपने तुरंत। कौन कौन तैयार है बोलो इस चीज के लिए? आप घर से निकले हैं, घर से निकलते समय आपका सामान चोरी ना हो मंजिल तक पहुंचने पर, और वापस लौट करके जब घर आ रहे हो तो सफर में आपका सामान चोरी हो, इन दोनों में से आप कौन से ऑप्शन को चुनना चाहेंगे? समझदार व्यक्ति तो यही कहेंगे कि भाई साहब चोरी हो गई नहीं, अच्छी बात तो यही है यार, क्यों नुकसान कराते हो? समझदार तो यही कहेंगे, और फिर ना समझ ये कहेंगे कि साहब चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ। कई लोग कह देते हैं ऐसा, जब आप वापस लौट करके आ रहे थे और सामान चोरी हो गया, और जब आपने ये घटना आस पड़ोस वालों को बताई, अपने फ्रेंड्स को बतलाई, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कह देंगे अरे वो तो किस्मत बहुत अच्छी थी कि वापस लौटते समय गए आपके कपड़े, जाते समय चले जाते तो वहां शादी में क्या करते, बहुत अच्छा हुआ है तो आते समय ही गए हैं। ऐसी बात सुनकर हम उसको अच्छा ही मानने लगे, कोई व्यक्ति अच्छा समझने लगे, तो मूर्ख ही है वो। वो व्यक्ति जो कह रहा है वो तो ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, आते समय हुआ भाई साहब, जाते समय हो जाता तो मुसीबत में फंस जाते, ये तो अच्छा ही हुआ समझ लो आप। तो हम क्या मानते हैं, अच्छा मानने लग जाएं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझदार व्यक्तियों को उसे अच्छा नहीं मानना चाहिए। और बताऊं, बहुत तरह से बात हो सकती है। हमारा एक छोटा बेटा मान लो 10th क्लास में पढ़ता है, उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, और 10th की परीक्षा दी, रिजल्ट आया, फेल हो गए। अब चौराहे पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, 5-7 लोग खड़े हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अरे ये फेल हो गया, ये कितने सब्जेक्ट में, कि सब में ही हो गया, ये तो सब सब्जेक्ट में फेल हो गया, कि ये दूसरा वाला ये कितने सब्जेक्ट में हुआ, ये भी सब सब्जेक्ट में हो गया। और फिर अपने बच्चे के बारे में पूछा कि ये, कि हाँ इससे तो बहुत अच्छा है, कि क्यों, कि ये तो 4 सब्जेक्ट में हुआ है बस। बोलो बोलो, अच्छा है कि उनसे अच्छा है या नहीं? और ऐसी चर्चा सुनकर के या कोई व्यक्ति ये कहे अरे साहब ये तो फिर भी बहुत अच्छा है, वो तो पता है 100 में से 5 नंबर आए हैं उसके तो, और इसके 100 में से 20 नंबर आए हैं, उससे तो बहुत अच्छा है, बोलो उससे बहुत अच्छा है या नहीं है? जिसके 100 में से 5 नंबर आए, और जिसके 100 में से 15 नंबर आए, तो जिसके 15 नंबर आए हैं वो 5 वाले की अपेक्षा से बहुत अच्छा है या नहीं है? हाँ साहब, उसकी तो उसकी अपेक्षा से तो बहुत अच्छा है, उसकी अपेक्षा लगा रहे हो ना, तब तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वो बहुत अच्छा है तो उसको घर में आकर आस पड़ोस में मिठाई बांटनी चाहिए, क्यों? उससे तो बहुत अच्छा हूं ना मैं आखिर। अरे क्या अच्छा कहें, ये किसी काम का अच्छा नहीं है, ये कहने भर का अच्छा है, मिठाई बांटने जैसा नहीं है, लड्डू बांटने जैसा नहीं है, फेल तो है ही, साल तो दोनों का बर्बाद हुआ है। उस दृष्टि से यदि देखो आप, तो कौन अच्छा है? जिसके 100 में से 5 नंबर आए हैं उसको भी 10th क्लास दोबारा पढ़नी है,
और जिसके 100 में से 15 नंबर आए हैं उसको भी 10th क्लास का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा अगले वर्ष। एक वर्ष तो दोनों बच्चों का बिगड़ा है, अब कौन अच्छा और कौन खराब? व्यर्थ की तुलना करते हो, हमारी भी ऐसी दशा है। पुण्य और पाप की तुलना करना ये इसी प्रकार की मूर्खता का काम है। क्या उससे तो, अरे उससे तो लेकिन किसी काम का ही नहीं है ना, उससे क्यों तुलना कर रहे हो आप? संसार में रुलाने वाला है भैया, तेरे को भटकाने वाला है, तेरे को बांधने वाला है, अब तू उसको देख रहा है। अच्छा बतलाइए, दो व्यक्ति बाइक पर जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, अब दो में से कोई मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और दो में से एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया और दूसरे के पैर की हड्डी टूट गई, क्या? तो किसी ने ये भी कह दिया बात ऐसे करते हुए, अरे हाँ ये तो इनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, वो तो मरी गया, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। अब हम आपसे पूछते हैं कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जिसकी हड्डी टूट गई, इसका मतलब किसी व्यक्ति के पैर की हड्डी टूट जाए उसकी किस्मत अच्छी होती है? क्यों सब मरा तो नहीं ना, मरा तो नहीं, लेकिन ये 3 महीने तक पैर लटका रहेगा, चल फिर नहीं सकेंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे, उठ बैठ नहीं सकेंगे, ये बहुत अच्छा हुआ है, इसको किस्मत अच्छी कहते हैं? सारा जगत भले ही भाषा में कुछ भी कहे, वचन में कुछ भी कहे, लेकिन हड्डी टूटने पर उसको जो तकलीफ हो रही है उसकी तो वही जानता है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि पुण्य के उदय में मिलने वाली अनुकूलताओं में इतने मस्त अपने आप को अनुभव करते हैं कि ये संसार की बेचैनी, आकुलता, जन्म मरण, दुख, तकलीफ इसको भूल जाते हैं, ये याद नहीं आता हमारे। हमें वास्तव में संसार के दुख दुख रूप भाषित नहीं होते, सच में हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, उसका हाँ देखो आज वो मर गए, हाँ उनके एक्सीडेंट हो गया, हाँ इसके ये हो गया, ये बिल्कुल वैसी दशा नहीं है जैसी अपन ने 14 नंबर श्लोक में पढ़ी थी यहाँ पीछे इष्टोपदेश में। स्मरण में नहीं रहता, लेकिन अपने पढ़ लेते हैं ना, रह जाती है वो बात। क्या पढ़ा था? अरे वो बात, एक व्यक्ति जंगल में आग लग रही है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और चारों तरफ देख रहा है, आग लगी है पूरे जंगल में और चारों तरफ आग लगी हुई देखने पर उसको लग रहा है अरे उधर देखो वो हिरण जल गया, उधर देखो वो हाथी जल गया, अरे उधर देखो वो खरगोश कैसे तड़प रहा है, कैसे भाई ये तो वास्तव में कैसे कैसे जल रहे हैं, इधर पेड़ वो देखो अग्नि इधर ही आ रही है और दुनिया को जलते हुए देख रहा है, जंगली जानवरों को मरते हुए देख रहा है, किसी को तड़फड़ाते हुए देख रहा है, अग्नि को अपने ऊपर आते हुए देख रहा है अपने नजदीक, लेकिन उतर करके बचने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप उसे? दूसरों की तरफ ही दिखता है, उसे ये नहीं दिखता है कि थोड़े समय में ये अग्नि जो सारे जंगल को जला रही है ये मेरे इस वृक्ष को भी जला देगी और फिर मैं भी जल जाऊंगा, ये नहीं दिखता है। हमारी ऐसी दशा नहीं है, आज वो मर गए, आज ये मर गए, आज वो छोड़ करके चले गए, आज उनका एक्सीडेंट हो गया, ओहो आपने सुना है उनका जवान बेटा मर गया, तो के बारे में सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन हम स्वयं के बारे में विचार नहीं करते, अपने आप को देखते ही नहीं है ना हम, कैसी मूर्खता है हमारी। पेड़ पे बैठे हुए उस व्यक्ति को तो सारी दुनिया मूर्ख कहती है, हमारी दशा भी उन मूर्खों से कम नहीं है। असली काम तो तब होगा जब पाप के नष्ट करने की भावना के साथ साथ पुण्य भी नष्ट होगा, तब होगा असली काम। क्या पाप नष्ट, पुण्य भी नष्ट, दोनों जब नष्ट होंगे तो असली काम होगा।
और ऐसा योगी उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास हो वे, पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। आत्मा के ध्यान से, आत्मा के वास से, योगेंद्र देवाचार्य की गाथा है, 32 नंबर गाथा है योग सार की। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास हो वे, पाप से पुण्य से स्वर्ग नरक निवास मतलब पाप से तो मुक्ति रमणी की प्राप्ति आत्मा के वास्ते। वही बात तो कही है यहाँ, जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयं गल जाते हैं वह योगी है, उसका निर्वाण अर्थात मोक्ष होता है और उसको फिर आश्रव नहीं होता। ऐसे योगी जीवों को आश्रव नहीं होता। हम लोग भी यदि ये चाहते हैं कि हमारे भी आश्रव न होवे तो पाप पुण्य से पार मार्ग है सुख शांति का। सुख और शांति का जो मार्ग है वो पुण्य और पाप से पार है। इस श्लोक में पुण्य और पाप रूप कर्मों की निर्जरा बताई है। तथा तत्वानुशासन श्लोक 225 में कहा है कि क्या कहा है तत्वानुशासन में, इस 225 नंबर श्लोक में क्या बात कह दी गई है। तथा ये चर्मांगस्य जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु चरम शरीरी है, चरम शरीरी मतलब तद्भव मोक्षगामी नहीं है, अचरम शरीरी है। क्या चरम नहीं, अचरम शरीरी। तथा ही अचरम, अचरमम चरम नहीं है, खूब ध्यान का अभ्यास करता है, खूब ध्यान करता है लेकिन अचरम शरीरी नहीं है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है, उसके उस ध्यान के अर्थात सकल अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर होते हैं। ऐसे ध्याता पुरुष के अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी और संवर होंगे। इस श्लोक में पाप रूप कर्मों की ही निर्जरा और संवर बताया है। जिसको मुक्ति की प्राप्ति होनी होवे ऐसे साधक के पाप के साथ साथ में पुण्य की भी निर्जरा होती है, और जिसे मुक्ति की प्राप्ति ना होनी होवे, क्या माने जिसको चरम शरीर ही नहीं है, अभी अंतिम शरीर नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होनी है, ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होगा, पाप पाप की निर्जरा होकर के रह जाएगी, संवर होकर के रह जाएगा। तथा श्री पूज्य पाठ स्वामी ने समाधि तंत्र श्लोक 34 में कहा है कि आत्मदेहांत, क्या पूज्य पाठ स्वामी ने क्या कहा है समाधि तंत्र में, आत्मदेहांत आत्मा और शरीर के इन दोनों के, दोनों न्यारे न्यारे हैं, इनके भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता होने पर भी चेत खिन्न नहीं होता। क्या उपसर्ग और परिश्रमों को भोगता होने पर भी, अभी जो भोगता शब्द का प्रयोग किया है ना, इसको वही जीतता लगाना, कभी भोगता शब्द का प्रयोग कर लेंगे, कभी सहता है शब्द का प्रयोग कर लेंगे, परिश्रमों को सह रहा है, परिश्रमों को भोग रहा है, उपसर्गों को भोग रहा है, लेकिन अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ है जीत रहा है, जीतता होने पर भी खेत खिन्न नहीं होता। यह व्यवहार ने से कहा गया है, किस लिए,
ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य ही कहते हैं वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है। तब उसका संबंध किस प्रकार है, कर्म का संबंध किस प्रकार है, उस बात को बताते हैं। वत्स सुन, वास्तव में वह निर्जरा अर्थात एक देश कर्म का विश्लेषण वाली फूटने रूप कर्म की निर्जरा चित्त सामान्य को अनुविधायी अनुसरते उद्गल परिणाम रूप द्रव्य कर्म संबंधी होती है। क्या कहा, हे वत्स सुन, क्या सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं वास्तव में वो जो निर्जरा है ना वो एक देश कर्म की होगी और विश्लेष लक्षण वाली, विशेष लक्षण वाली समझ लो आप, छूटने रूप विश्लेषण छूटने रूप एक देश छूटने रूप कर्मों की निर्जरा होगी और चैतन्य सामान्य के अनुसार अनुविधायी परिणाम वो पुद्गल कर्म रूप द्रव्य कर्म संबंधी होती है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग अर्थात पृथक पड़ाना ये संभव होता है। ये कुल मिलाकर के इस वाक्य में या इन दो एक पंक्तियों में यही बात कहना चाहते हैं, निर्जरा का क्या स्वरूप है, ये निर्जरा क्यों हुई और कैसी निर्जरा है ये। तो बहुत स्पष्ट कह दिया सरल शब्दों में कि भाई दो पदार्थ थे, दोनों न्यारे न्यारे थे, पहले अलग थे या नहीं थे हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि ये दोनों अलग अलग हो गए। जिन दो द्रव्यों का स्वरूप न्यारा था वे दोनों द्रव्य अलग अलग हो सकते हैं। क्या वे दोनों जो अलग हो ना वो अलग हो सकते हैं। टोडरमल जी का एक एग्जांपल याद आता है मेरे को, जो उन्होंने चर्चा की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में, उन्होंने ऐसी चर्चा उठाई कि साहब ये जो द्रव्य कर्म है और आत्मा है ये दोनों, इन दोनों का संयोग तो कैसे मान सकते हैं अपन, क्योंकि इनका तो अनादि से संबंध है। द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ में अनादि से संबंध है, और फिर का अनादि से संबंध है और दोनों न्यारे न्यारे कर्म हैं, तो ये बात को जच नहीं रही हमारे को। न्यारी न्यारी वस्तुएं हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का अनादि से संयोग कैसे हो सकता है। संयोग तो तब संभव है कि जब पहले अलग अलग हो और बाद में मिले तो कहेंगे संयोग। हम ये कभी नहीं कहते कि हमारे को माता पिता का संयोग हुआ है। हाँ यदि माता पिता की अपेक्षा से बात की जाए हम कह सकते हैं बहू का संयोग हुआ है, पुत्र वधु मिली है, उसके लिए हम संयोग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। माने हमारे द्वारा किया गया संयोग शब्द का प्रयोग पहले तो अलग थे और फिर बाद में नए हुए हों तभी करना उचित दिखाई देता है। टोटरमल जी ने पता है क्या जवाब दिया, टोटरमल जी ने कहा कि नहीं तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तुम तार्किक नहीं हो, तुम न्याय नहीं जानते हो। बताओ महाराज क्या न्याय है, कि न्याय ये है कि जो बाद में अलग हुए हों चाहे पहले हुए हों अलग होना इस बात को सूचित करता है कि अलग ही थे, तभी तो अलग हुए। जैसे पता है गुरुदेव बार बार में क्या करते थे, अरे ये शरीर तो मुर्दा है, साहब कब जब आत्मा निकल जाएगा तब, अरे नहीं जब आत्मा इस देह में मौजूद है तब भी यह देह तो मुर्दा ही है, ये देह तो मृत ही है, ये देह तो अचेतन ही है, ये देह तो जड़ी है। ख्याल में आ रही है बात, देह सदा अचेतन है, देह तो सदा मुर्दा है, ये क्या मरेगा, वो तो क्या मरना है, ऐसी बात बतलाई टोटरमल जी साहब ने वहां। अरे जो सदा से अलग ही थे और फिर बाद में अलग हुए तो ऐसा जाना जाता है कि अलग थे। तो चार उदाहरण दिए उन्होंने एक एक सेंटेंस में, एक एक शब्द ऐसा उन्होंने दिया जैसे तुस कण का संबंध,
जैसे तिल तेल का संबंध, जैसे दूध पानी का संबंध, तीन, और चौथा पॉइंट दिया जैसे सोना और किट्टी कालीमा का संबंध। अनादि से देखा जाता है, नए तो हुए नहीं है। अच्छा बतलाइए, तिल में से तेल निकलता है ना, तो तिल और तेल इन दोनों को मिलाया किसने था, या तिलों में तेल किसने भरा था, ये बताओ। किसने भरा था तिलों में तेल? किसी ने भी नहीं भरा। अरे जब तिलों में तेल किसी ने भी नहीं भरा तो फिर उसमें आया कैसे? हाँ ये ऐसा ही स्वरूप है, सदा से ही है, तो फिर वो उसी का स्वरूप फिर अलग तो नहीं हो सकता ना, कि नहीं तिल में तेल मौजूद होते हुए भी तेल अलग है और उसकी वो खल अलग है, तुत अलग है और कन अलग है, सोना अलग है और किट्टी कालीमा अलग है, दूध अलग है और पानी अलग है। ये कैसे जानते हो आप? ऐसे जानते हैं कि जब अलग हुए तो पता लगा कि ओहो। कभी कभी क्या होता है बाजार, आजकल तो फैशन का जमाना है ना, पैकिंग का जमाना है, कोई बाजार से कोई चीज लेकर के आई, इतनी सुंदर पैकिंग, इतनी अच्छी, कोई टेबल थी, कोई इस तरह की कोई पीस था, शो पीस था, इतना सुंदर लग रहा था सिंगल पीस। थोड़े समय बाद में क्या हुआ कि हमें उसमें जॉइंट दिखने लगा, थोड़े समय बाद में क्या हुआ हमारे को उसमें जोड़ दिखने लगा, और धीरे धीरे जैसे पता लग गया हमारे को कि ओ, तो फिर हम क्या कहते हैं बोलो, ये टूट गई? अरे नहीं नहीं ये तो जॉइंट था पहले से, पहले दिखता नहीं था अपने को, लेकिन जब ये खुल गया ना तो पता लग रहा है कि ओहो इस जगह पर जॉइंट था, बोलो अपने को मालूम ही नहीं था। ऐसा महसूस करते हैं ना अपन जी, बहुत बहुत प्रैक्टिकल अपने को ख्याल में आती है कि अरे हमारे को पता ही नहीं, पता है इस जगह पर ये जॉइंट था, ये चिपका करके दे दिया और उस समय ऐसी ऊपर से पॉलिश की कि अपने को दिखा ही नहीं। दिखने पर सिर्फ ये नहीं पता लगता कि वर्तमान में अलग है, अपितु यह भी पता लगता है कि ये पहले से भी अलग अलग को ही जोड़ा गया था, ये बात भी पता लगती है। ये मार्केट से लाई गई किसी भी पीस में परेशान अनुभव कर सकते, ठीक वही बात यहाँ लागू होती है। दो भिन्न भिन्न द्रव्य, एक तरफ जड़ कर्म और दूसरी तरफ आत्मा, और दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक जो अवस्था थी वो संसार अवस्था थी, बंधन अवस्था थी, और बंधन अवस्था के माध्यम से जब इस जीव ने पुरुषार्थ किया, आत्मा आराधना की, तो फिर वो बंधन से मुक्त हो गया, छूट गया, उसका नाम है निर्जरा, उस प्रकट करने को निर्जरा कहते हैं। देखिए फिर आगे, जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, योगी है तो वो अपने स्वरूप में अवस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध किस प्रकार, किन संयोग आदि प्रकार से संभव है, यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर। अर्थात किसी प्रकार संबंध संभवित नहीं है, ऐसा अर्थ है। बोलो, उसी योगी से कह रहे हैं जब ध्यान कर रहा है, अपनी अवस्था का ध्यान कर रहा है, अपने आत्मा का ध्यान कर रहा है, तो ये लक्षणों से निर्णय करने का प्रयास करना कि मैं कौन हूं और कर्म कौन है, निर्णय करेगा तेरे बात ख्याल में आएगी। यदि तू निर्णय ही नहीं करे, विचार ही नहीं करे, कैसे पता लगेगा तुझे? खूब अभ्यास कर, खूब निर्णय कर, खूब कोशिश कर, खूब प्रैक्टिस कर, तेरे को ये सब बात बराबर ख्याल में आएगी कि तेरा ज्ञायक स्वरूप कैसा है और ये द्रव्य कर्म कैसे है, और इन दोनों में किस प्रकार का संयोग संबंध है कि नहीं, और ये संबंध भी है या नहीं है, और ये संबंध जो दिख रहा है ये संबंध उपचरित है कि वास्तविक है।
कहा मैं चैतन्य और ये जड़, कहा मैं सुख स्वभावी और ये कहा अज्ञानी, बोलो, कहा मैं सदा एक रूप रहने वाला और ये कहा परिवर्तनशील खंड खंड हो जाने वाले, कहीं मेल ही नहीं है इसका और मेरा, आप मूर्तिक और मैं अमूर्तिक, मैं ज्ञानादि गुणों का अभेद अखंड पिंड और ये निर्जीव अचेतन जड़ वस्तु कर्म, इनका और मेरा दूर दूर तक ही मेल नहीं है। अरे संबंध भी बराबर वालों में किया जाता है, जगत का प्रसिद्ध कथन है ऐसा, संबंध बराबर वालों में करना। ऐसे ही हम कह रहे हैं आत्मा और कर्म का संबंध, तो देखो तो सही पहले दोनों की बराबरी, फिर हम संबंध की बात बताएं कौन किसके बराबर है, ये कर्म आत्मा की क्या बराबरी कर पाएंगे। तो इस तरह से ये संभवित नहीं है ऐसा अर्थ यहां बतला रहे हैं, न्यारे न्यारे हैं ऐसा अर्थ यहां बतला रहे हैं, भिन्न ही है ये बात यहां सिद्ध कर रहे हैं। देखिए फिर प्रकरण तो वही चल रहा है, मूल श्लोक तो वही है जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, ठीक है ना, पिछले अध्याय में कर लिया था, वही मूल श्लोक चल रहा है, ये तो उसी के टीका में समझा रहे हैं। देखिए जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच वेदन, जहां ध्यान का ध्येय का ध्याता का विकल्प ही नहीं है, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, भेद नहीं है, जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में नहीं, नीचे जब आत्मा में आत्मा ही ध्यान, वास्तव में आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्येय, ध्यान करने वाला भी आत्मा, उसकी प्रक्रिया का नाम भी ध्यान और वो ध्येय हो जाता है, तब आत्मा सर्व प्रकार पर द्रव्यों से व्यावृत हो, व्यावृत मतलब पृथक, व्यावृत हो मतलब अलग होकर, सर्व प्रकार के पर द्रव्यों से अलग होकर स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा। अपने स्वरूप में अवस्थित है, अब उसका अन्य द्रव्यों के साथ में संबंध किस प्रकार होगा। पंडित जी एक प्रश्न है, क्योंकि संबंध, हाँ बोलिए, ये जो आत्मा ध्यान ध्याता ध्येय ज्ञान ज्ञाता ध्येय वाला जो श्री स्वरूप है आत्मा का, उसमें मुझे ध्यान और ज्ञान, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ध्यान है, वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो ज्ञेय और ज्ञाता भी समझ में आ गया, क्योंकि वो द्रव्य है, वो ज्ञाता द्रव्य है, और तो ध्यान, आत्मा स्वयं ध्यान है, आत्मा स्वयं ज्ञान है, इसको हम कैसे समझे। आत्मा को तो हम द्रव्य समझ रहे हैं जो कि ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, ये दो बातें तो समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है इसमें समझने जैसी बात। देखिए शांति तो बहुत सरल सी बात है, ये जब अभेद विवक्षा से कथन किया जाता है ना, तो इसी तरह का कथन किया जाता है। क्या माने, जैसे देखिए किसी भी चीज के बारे में जब हम कहते हैं तो उससे तन्मय होकर के कथन करते हैं, तो उस रूप ही अनुभव करते हैं, उस रूप ही बोलते हैं। कोई कोरियर वाला कोरियर देने के लिए आया, आपके बेटे के नाम से आवाज लगाई और आपने कहा कौन, तो उसने बेटे के नाम लेकर के कहा, ठीक है, तो तुरंत हमने कहा, उसने कहा कि शील, तो हमने कहा हाँ बोलो ना, उसने कहा कि वो है, कि हाँ लाओ मेरे को दो, तो मतलब हम बिल्कुल वो हैं और हम हैं, हम वो अभेद ही अनुभव करते हैं। उदाहरण के रूप में आप और बहुत सारी बातें इस तरह की लागू करके देख सकते हैं, जब ज्ञान की विवक्षा से चर्चा चल रही होती है और अभेद विवक्षा में देखते हैं तो आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञानी है। सुन सुन
ज्ञानी प्राणी, ऐसे कई भजन आते हैं। सुन ज्ञानी, कई बार ज्ञानी शब्द का प्रयोग ज्ञान स्वभावी आत्मा के अर्थ में, कभी ज्ञानी शब्द का प्रयोग ज्ञानवान के अर्थ में जिसको बहुत ज्ञान है, कभी ज्ञानी शब्द का प्रयोग केवल ज्ञानी के अर्थ में, तो ऐसे प्रयोग होते हैं शास्त्रों में बहुत, कोई बाधा नहीं है। जैसे ध्यान, ध्याता और ध्येय, अब इन तीनों में भी भेद करना हो तो मैं कौन हूं बोलो, मैं कौन हूं इन तीनों में से? जब हम ये कहें कि तुम ध्यान करो, तुम ध्येय का ध्यान करो, या ऐसा कहें कि ध्याता के द्वारा ध्येय का ध्यान किया जाता है, तो बात स्पष्ट हो जाती है, अपने ख्याल में आ जाती है। ध्याता के द्वारा, तो ध्याता तो करता है, ध्याता तो है व्यक्ति, ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्याता है, और ध्येय और ध्यान क्या है? इसका जो वो प्रक्रिया अपना रहा है वो प्रक्रिया ध्यान है, और उस प्रक्रिया में जिनका लक्ष्य है वो ध्येय। प्रक्रिया ही आत्मा है, ये थोड़ा मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो व्यक्ति ये एवं भूत नए है, किस प्रकार का, सात प्रकार के नयों में, जो व्यक्ति जिस समय जिस क्रिया रूप तन में हो उस व्यक्ति को उस रूप भी कहा जाता है। जब ध्यान ही आत्मा है, जैसे राजा को वो भूप और वो सब कहते हैं ना, हालांकि वो राजा तो तब होता है जब वो रण में होता है, ऐसे कुछ एक एग्जांपल कहीं मैंने सुना है शास्त्रों में। देखिए खैर, मैं अभी ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें बहुत सीधी सी बात समझ लीजिए आप, जो व्यक्ति जिस रूप तन्मय हो रहा हो उस व्यक्ति को उसी रूप कह दिया जाता है। समय तार में तो अच्छा, क्रोध आत्मा है, वह आत्मा ही क्रोध है, ऐसे शब्द के प्रयोग किए। जो आत्मा क्रोधोप योग रूप प्रवर्त रहा है वो आत्मा ही क्रोध है, अग्नि रूप परिणमित करते हुए कोयले अग्नि ही है। हम ये नहीं कहते कि कोयले में आग जल रही है, हम ये कहते हैं अरे बेटा छूना नहीं, आग है, वो आग है कि कोयला है, जलता हुआ कोयला है। अरे आग रूप परिणत कोयले को भी आग कहते हैं, तो क्रोध रूप परिणत आत्मा को भी क्रोध कहते हैं, उसी प्रकार ध्यान रूप परिणत आत्मा को भी ध्यान कहते हैं। हम तो इतने स्थूल प्रयोग तक कर देते हैं, आपके वहां तो नहीं होते ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ तो रोड पर निकले हम और कोई एक ऑटो वाला जा रहा है, कोई एक रिक्शे वाला जा रहा है और हमारे बराबर से निकल रहा है, हम पीछे से उसे आवाज लगाते हैं क्या कह करके कि ये रिक्शा, रिक्शा ऑटो 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 रोकना। किससे कह रहे हो आप, ऑटो से कह रहे हो कि ऑटो वाले से कह रहे हो, रिक्शा से कह रहे हो या रिक्शे वाले से कह रहे हो? लेकिन रिक्शा चलाने रूप क्रिया से तन्मय वो व्यक्ति, वो रिक्शे वाला तो है लेकिन उसे रिक्शा भी कह दिया जाता है। वैसे मुख्य रूप से ध्यानमय समझना है, आत्मा ध्यान है, मतलब ध्यानमय है, ध्यानमय है, ऐसा समझना। ये तो प्रयोग है इस तरह के, वही है वो, बाकी दोनों शब्दों का तो एकदम क्लियर कॉनोटेशन समझ में आ रहा है, तो ये इसलिए मैंने पूछा। चलिए थैंक यू। ये इस तरह का प्रयोग नहीं है सामने बैठे हुए व्यक्ति से पूछना, अरे भाई साहब कहाँ चले गए आप, कहाँ हो, सभा में बैठे हुए लोग हैं और उनमें एकदम हमने किसी व्यक्ति से कहा भाई साहब आप कहाँ हो, कहाँ हो, मंदिर में तो बैठा हूँ,
आप कह रहे हो कहाँ हो। अरे नहीं नहीं उपयोग कहाँ था, कहाँ होगा मतलब, ये तो हमें भी दिख रहा है कि आपका शरीर यहाँ था क्या, तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, माइंड आपका जहाँ था, उपयोग आपका जहाँ था वहां की बात कर रहे हैं हम, आप किधर चले गए थे ये बताओ। बहुत अनुभव करते हैं हम इस बात का कि वह व्यक्ति जहाँ उसका उपयोग है वह वहीं होता है। आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, जहाँ आपका उपयोग है आप वहाँ हैं। जिस रूप आपका उपयोग परिणमित हो रहा है उस समय उसको वही कह दिया जाता है। कहाँ चले गए, लगता है दुकान में चले गए, ये तो सामने बैठे हुए व्यक्ति से कह रहे हैं लगता है दुकान में चले गए। कोई व्यक्ति कहीं से घूम करके आए हैं किसी जगह से, और आने के बाद में उसका ध्यान वहीं वहीं जाता हो, हम कहते हैं ये तो वहीं चला गया है, तो ये तो वहीं है अभी भी। कैसे कह रहे हो आप, वही ध्यान है, ध्यान करता हो व्यक्ति भी ध्यान ही है। ऐसे भेद करके नहीं देखना, यहाँ तो अभेद वृत्ति से देखने की बात कर रहे हैं भाई, आत्मा को और इस वृत्ति को अभेद करके देखने की बात कर रहे हैं हम। द्वैतपना तो दिखता ही नहीं है, जहाँ द्वैत होता है वहां व्यवहार होता है, जहाँ अद्वैतपना होता है वहां निश्चय होता है। ऐसे दो नहीं, ध्यान करने वाला अलग, ध्यान जिसका किया जाता है वो अलग, अरे मैं अभी तन्मय हूँ, एक में एक हूँ, ही मैं हूँ, ऐसी तन्मयता होती है। वो कहते हैं ना ऐसा, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। कौन, मीरा। वो ऐसा समझते थे लोग कि ये तो हरी मय हो गई, फिर तो उसे कोई सुधबुद नहीं रहती है, उसको कुछ, उसको कुछ भेद ही नहीं दिखाई देता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। वो उसके साथ में तादाद में अनुभव करती है, वो एकमेक अनुभव करती है। ऐसे ध्यान जिस आत्मा का किया जाता है, ध्यान करते समय उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान किया जा रहा है, तो ध्यान वाली पर्याय और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये दोनों एक दूसरे के साथ में तन्मय तादात में हो गए, एक में हो गए, एक दूसरे में घुल मिल गए। कितने अपन से जब एक दिन शुद्ध निश्चय से बात करते हैं समझ लीजिए, या इस प्रकार की पर्यायों के अहम की दृष्टि से बात करते हैं, तो वो पर्याय अपने आप को त्रिकाली कहती है, वो कहती है त्रिकाली हूं मैं, तो ये अहम बोलता है। अब हम आपसे पूछें कि वो पर्याय त्रिकाली कैसे हो सकती है, वो सम्यक दृष्टि से पूछें कि तुम, सम्यक दर्शन रूप पर्याय से पूछा जाए कि तुम कौन हो, कि मैं त्रिकाली हूँ, क्या रे अगले समय जाने वाली है, मरने वाली है, त्रिकाली कह रही है अपने आप को, त्रिकाली में अपनापन किया इसलिए अपने आप को त्रिकाली रूप अनुभव करती। ये वास्तविकता की बात कर रहे हैं, सच्चाई है ये, जो जिसके साथ में तादात में हो जाता है वो अपने आप को वैसा ही अनुभव करने लगता है। ये तादात में की इस प्रकार की वृत्ति है, एकमेक हो जाने में इसी प्रकार का अनुभव होता है, इसी प्रकार की फीलिंग होती है। टीवी देखते समय, पिक्चर देखते समय, सीरियल देखते समय लोग इतना ज्यादा उस सीरियल या उस कैरेक्टर के प्रति अपने आप को तादात में कर लेते हैं, एक में कर लेते हैं, कि उसको लगी हुई चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आंख से आंसू बहने लगते हैं। अब हम पूछें कि वो चीज आपको क्यों नहीं बर्दाश्त, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप कहो कुछ भी, लेकिन देखते समय उसने आपको जैसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसा आपको सम्मोहित कर लिया उसने, और आप अपने आपे को भूलकर, आप अपने स्वरूप को भूलकर उस कैरेक्टर के साथ में इतने एकमेक हो गए कि उसकी पिटाई, उसकी चोट, उसका एक्सीडेंट, उसकी मौत, उसकी दुर्घटना, वो आपको ऐसे लगने लगी जैसे मेरे ऊपर बीत रही है। मैं तादात में बतलाना चाहता हूं, मैं आत्मा ही ध्यान,
मतलब आत्मा कैसे ध्यान हो सकता है? ध्यान तो पर्याय है और आत्मा तो द्रव्य है, आत्मा ही ध्यान कैसे हो सकता है? कि नहीं, जिस ध्यान पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव होता है वो ध्यान पर्याय भी आत्मा ही है, आत्मा ही ध्यान है। सबको नहीं, जिस ध्यान में आत्मा है उस ध्यान को भी आत्मा ही कहते हैं। जिस दर्पण में मोर दिखाई दे रहा है उस दर्पण को भी मोर कह देते हैं, जिसमें झलक रहा है उस झलकन को देख करके मोर कह दिया जाता है। ध्यान में क्या झलक रहा है? एक आत्मा, क्या देखेंगे हम इसे? आत्मा। इसे वास्तविकता कहा है यहाँ पर, ये सच्चाई कहकर के प्रतिपादित किया है इस बात को। जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है तब आत्मा सर्व प्रकार पर द्रव्यों से व्यावृत हो जाता है और अपने स्वरूप में ही अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार का होगा? क्योंकि वो ही नहीं सकता है, क्योंकि संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक में नहीं होता। तो ऐसी अवस्था संसारी जीव को संभवती नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा वाच्य है। क्योंकि संसार के क्लेश को प्राप्त हुए अयोगी को मुक्तात्मा की तरह पांच ह्रस्व स्वर बोलने में जितना काल लगता है उतने काल तक वैसी निर्बंध अवस्था रहना ये संभवित है। इस प्रकार की बात यहाँ इन्होंने कुछ कही है। इसका और विश्लेषण और इसके आगे की कुछ चर्चा अपन फिर आगे कल करेंगे, अभी की बात खोल करो। निर्वाणी स्तुति वाणी के ज्ञान थे सुझे दो कालो तो वाणी मस्तक नम सदा दे तम रो सदा दे तम और मुका